तो अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें किरचॉफ लॉ की, तो क्योंकि ये कैपेसिटर्स ना सीरीज में ना पैरेलल में, और क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको इंडिविजुअल चार्ज निकालना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ लॉ ही तरीका है, सीरीज पैरेलल तो है नहीं। तो एक काम करते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक। तो होगा क्या, ये प्लस इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और अल्टीमेटली इसको सप्लाई कर देगा। तो ये तो बात पक्की है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कितना, सपोज Q1, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कितना आएगा, माइनस Q1। तो इधर चलते हैं, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक, ऐसे ही होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, क्यों, ऐसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या मैंने गलत किया, ऐसे सिखाया था, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, नहीं इसमें ही लगेगा, क्यों, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल क्या खींचेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, राइट। तो इस केस में ये जो चार्ज है यहां पर पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये प्लस Q2 होगा, माइनस Q2 होगा। अब एक चीज बताओ, इस बैटरी ने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इस बैटरी ने इसके इलेक्ट्रॉन गए कहां, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को दे दिए, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, पॉजिटिव। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ये कैसे सोचना है आपने इसमें, और वैसे भी बहुत क्लियर है। अगर ये जंक्शन है और ये दो प्लेट्स नेगेटिव हैं तो इनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है, कहां से आया, वो इस प्लेट से आया है, इसके ऊपर तो पक्का पॉजिटिव है, कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें, ठीक है यहां तक। तो इसकी पहली इक्वेशन जो बनानी होती है वो जंक्शन से बनानी होती है। तो इसमें कितने जंक्शन यूज करूं फर्स्ट लॉ के लिए, कि मैं जहां पर फर्स्ट लॉ लगा सकूं, एक तो ये जंक्शन है, इसके ऊपर अगर आइसोलेटेड सिस्टम लें तो ये रहा एक आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। तो इसमें लॉ क्या, इक्वेशन क्या देगा, फर्स्ट लॉ माइनस Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू क्या, जीरो। इसका मतलब Q3 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट, क्या मैं यहां पे लगा सकता हूं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, ये भी तो जंक्शन है, नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर प्लेट ऑफ कैपेसिटर और यहां पर बैटरी, और बैटरी चार्ज स्टोर नहीं करती, तो नहीं लगा सकता, यहां पे नहीं लगा सकता, कहीं नहीं, एक ही जगह लगना था, लग गया, और कहीं लग भी नहीं सकता, ठीक हो गया। तो मेरे पास अब क्या बचा, किरचॉफ का सेकेंड लॉ। तो अब मैं किरचॉफ का अगर सेकेंड लॉ लगाऊं तो देखो, सेकेंड लॉ के अंदर किरचॉफ का सेकेंड लॉ के लिए हम एक काम करते हैं, कोई भी एक लूप लेते हैं, जैसे ये मैं एक लूप ले लेता हूं, मैं यहां से स्टार्ट होके घूम के वापस आऊंगा, तो बोलो प्लस से माइनस जा रहा हूं, तो माइनस Q1/2×10⁻⁶, प्लस से माइनस पे आ रहा हूं तो माइनस Q3/6×10⁻⁶, माइनस से प्लस पे जा रहा हूं तो +10 = 0। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, जिसमें आपको Q1 और Q3 की इक्वेशन जो है आप बना सकते हैं, दो वेरिएबल ये, एक इक्वेशन वो। तीसरी, ये एक और लूप, यहां से स्टार्ट होके वापस आते हैं तो माइनस पे प्लस पे जा रहे हैं तो +Q2/4×10⁻⁶, प्लस से माइनस पे जा रहे हैं -20, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो +Q3/6×10⁻⁶ = क्या, 0। तो Q2 Q3 का रिलेशन आएगा। एक लूप पूरी ले लेते हैं, ये पूरी घूम के दो बैटरी वाली, तो यहां से यहां जा रहे हैं तो -Q1/2×10⁻⁶, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो +Q2/4×10⁻⁶, प्लस से माइनस पे आ रहे हैं तो -20, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं
प्लस 10 इज इक्वल टू 0। Q1 Q2 में रिलेशन आ गया, Q1 Q2 और Q3 में रिलेशन आ गया, Q2 Q3 में आ गया, Q1 और Q3 में। तो इनको कुछ साइमल्टेनियसली आपने क्या करना है, सॉल्व करके Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू को निकालना है। क्लियर है यहां तक?